कसम है मुझे इस ऐतिहासिक ग्राउंड की, इस बार का कप हम ही जीतेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने एक्शन ड्रामा फिल्में बहुत सी देखी होगी, लेकिन आज हमने लाया है आपके लिए साउथ की बेस्ट स्पोर्ट पे बनी मूवी, जिसको देखकर आपको स्पोर्ट में एक अलग से ही रुचि हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर वन पर है A1 एक्सप्रेस मूवी, जिसमे हमें संदीप किशन, लावण्या त्रिपाठी लीड रोल में देखने को मिलेंगे। मूवी की शुरुआत एक बेहतरीन लव स्टोरी से होती है, जिसमे लावण्या एक हॉकी प्लेयर है और संदीप किशन एक कॉमन मैन की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास्ट में हॉकी से लेकर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको देखकर मूवी का कुछ अलग ही रुख हो जाता है। मूवी में एक हॉकी प्लेग्राउंड का मुद्दा है, जिसको लेकर मूवी में हॉकी के साथ साथ कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये सारी बातें हॉकी से रिलेटेड है जो हॉकी के ही इर्द गिर्द घूमता है। काफी कमी मूवी है जो हॉकी पर बनी है, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एडवाइज मीडिया के यूट्यूब चैनल पर जाके देख लो। नंबर दो पर है थालापति विजय की मूवी बिगिल, जिसको डायरेक्ट किया है एटली ने। थालापति विजय के साथ हमें नयनतारा भी देखने को मिलेंगी। मूवी में थालापति विजय एक वुमेन फुटबॉल कोच के किरदार में दिखाई देते हैं। मूवी में फुटबॉल के लिए लव, इमोशन और करप्शन सभी दिखाया जाता है। मूवी में थालापति विजय एक कोच होने के नाते लड़कियों को खेल के लिए कैसे मोटिवेट करते हैं, कैसे उनको उनके ही अंदर के जज्बे को बाहर निकालते हैं, ये सब देखने के बाद हमको इमोशनली अटैच कर देता है। मूवी में थालापति विजय का फादर वाला किरदार, जो एक रॉडी के किरदार में है, वो किरदार भी काफी इमोशनल और इंटरेस्टिंग होता है। मूवी में फुटबॉल के साथ साथ बहुत सारे सोशल मैसेज भी देखने को मिलता है। मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगा, तो अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करे। नंबर 3 पर है जर्सी मूवी। मूवी की कहानी है अर्जुन यानी कि नानी की। अर्जुन एक बेहतरीन रणजी का प्लेयर है, लेकिन कुछ वजह से अर्जुन को क्रिकेट से दूर होना पड़ता है। उसके बाद मूवी की कहानी कुछ चेंज दिखाई देती है। नानी अपने फैमिली के साथ रहते हैं और वो एक जॉबलेस होते हैं। ऐसे में अर्जुन का बेटा, जिसका नाम नानी है, वो क्रिकेट का बड़ा फैन है। वो अपने बर्थडे वाले दिन अपने पापा से इंडियन टीम का जर्सी गिफ्ट के तौर पर मांगता है, जिसको देने के लिए अर्जुन के पास पैसे की कमी होती है और यहीं से अर्जुन की शुरुआत क्रिकेट की दुनिया में फिर से होता है। तो अब फिर से अर्जुन क्रिकेट की दुनिया में कैसे कदम रखेगा, ये सब मूवी में देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मूवी में क्रिकेट के अलावा बाप बेटे का लव काफी अच्छे से दिखाया है, तो मूवी आपको गोल्ड माइंस के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाके देख ले। तो अगर आप स्पोर्ट लवर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।